शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। उस समय नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उसे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं डालते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए तीनों की जोर जोर से हंसने लगे। तभी नेहा के पति अविनाश ने अपनी ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में यहाँ खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुँह से ऐसी बातें सुनकर नेहा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नेहा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। ये बात नेहा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नजदीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा कि नेहा बेटी, बात क्या है, तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी नेहा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर जी से बोली, बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया, और आप जानते हैं बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में कोई बेटी ही नहीं है, और आप जानते हैं मेरी शादी में आने वाले बरातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी ने पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोईया कौन होगा और खाने में बरातियों के लिए किस तरह का खाना होना चाहिए। इसके साथ साथ बरातियों को कहाँ बिठाना है ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज मेरी शादी में मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है, और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी और उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा, और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति अविनाश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ उन्होंने मजबूरी में ही खाया तो इसकी क्या गारंटी है कि शादी भी अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को अविनाश जी भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी करी। और नेहा रोते हुए अपने ससुर जी से भी कह रही थी, जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारियों में लग गए, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं, और तो और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, क्या आपके घर में माता की इतनी ही इज्जत होती है। तभी नेहा के ससुर ने कहा कि बेटी, तुम इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो नेहा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात तो बिल्कुल भी नहीं, अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा। ये सुनते ही नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें झुका ली। तभी नेहा ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता ना करें, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं, किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें नहीं सिखाया। ये सुनते ही नेहा के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा, बेटी मुझे तुझ पे गर्व है कि तू मेरी बेटी है, और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नेहा का पति अविनाश भी नेहा के पिताजी और नेहा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी मुझसे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया, और आज के बाद हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त नेहा के ससुर राधेश्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी, और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली जो कि माता पिता को भी इतना सम्मान करती है, और अब बेटी मेरे कहने से इन नलायकों को भी माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी नेहा अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी नेहा के पिताजी दयाशंकर जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत करिए, मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना, और इसे कभी कोई गलती भी हो जाए तो माफ कर देना। तो राधेश्याम जी ने अपनी समधी दयाशंकर को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो नेहा बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी, और अब ये हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर नेहा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करते हैं, और नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसू की भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी।
आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान है, एक अनमोल धन होता है। और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है, और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो हमारे समाज में आज भी बहुत जगह में ससुराल वाले इज्जत नहीं करते, तो शायद उनके दिल में कोई जगह बना पाए मेरी ये प्यारी सी कहानी, और वो अपनी बहू को बेटी समझे। और हाँ, जो बहू है वो भी सास को अपनी माँ समझे। बस मैं यही चाहती हूँ, हर परिवार में प्यार बना रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। और इसी के साथ हम वीडियो अंत करते हैं और मिलते हैं कल। अब अपनी ईशा को जाने की इजाजत दें। धन्यवाद।